गुड मॉर्निंग, सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमिता पांडे। आज के वीडियो का विषय है समास, जो कि हिंदी के व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। समास दो शब्दों के मेल से बना है, सम जोड़ आस। सम का अर्थ है पास, आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात पास रखना। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर या फिर मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे सूरदास जन्म से अंधे थे, तो जन्म से अंधे के लिए जन्मांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो जन्मांत है वह एक सार्थक शब्द है। समस्त पद या सामासिक पद, सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द। समस्त का अर्थ है पूरा और पद का अर्थ होता है जब कोई शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है तो वह शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। अब यहाँ कहा जा सकता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द क्या होता है, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो वह शब्द कहलाता है। जैसे गंगा का जल गंगा जल, तो गंगा का जल यह एक समास विग्रह है और गंगा जल गंगा पूर्व पद, जल उत्तर पद है, तो गंगा जल क्या कहलाएगा, समस्त पद। हाथ के लिए कड़ी हथ कड़ी, तो हथ पूर्व पद है, कड़ी उत्तर पद है, तो हथ कड़ी गंगा जल यह दोनों क्या है, समस्त पद है। लेकिन हाथ के लिए कड़ी गंगा का जल यह समास विग्रह है, क्योंकि यहाँ पर इसको तोड़कर लिखा गया है। तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहा जाता है, विग्रह मीन्स तोड़ना। तो गंगा का जल हाथ के लिए कड़ी यह समास विग्रह है। आपको जैसे भी पूछा जा सकता है कि समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है, इसका डेफिनेशन सेम होगा। समास के प्रकार, समास के मुख्य छह प्रकार होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। इस समास की परिभाषा अर्थात इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपको दूसरे पार्ट में मिलेगा, पार्ट नंबर 2। धन्यवाद।